झारखंड बीजेपी में नेताओं और कार्यकर्ताओं का फिल्टरेशन शुरू हो गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले निष्क्रिय और दगाबाज नेताओं को हटाने का काम पूरा हो जाएगा। के साइड इफेक्ट्स, सावधान हो जाएं पार्टी के दगाबाज, बीजेपी करेगी फिल्टरेशन, बूथ स्तर से चलेगा छटाई अभियान, भीतर घातियों की खैर नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में बीजेपी का पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है। पार्टी के सांगठनिक स्वरूप को ठीक ठाक किया जा रहा है। ये कार्य बूथ स्तर से शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि झारखंड में 29,000 से अधिक बूथ है। बूथ स्तर की समितियों का पुनरीक्षण और जो कार्यकर्ता वहाँ हैं उनको फिर से एक बार दायित्व सौंपना, फिर उसके बाद मंडल स्तर पर हमारी कमेटी, फिर उसके बाद हम जिला की कमेटी और फिर प्रदेश, ये सारी रचना चल रही है। और पार्टी में इसके लिए प्रदेश की ओर से, जिला की ओर से कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारी हैं, उनको लगाया गया है। झारखंड में सत्ता गंवाने का एक कारण बीजेपी के अंदर निष्क्रिय और दगाबाज नेता और कार्यकर्ताओं की भूमिका भी रही है। पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के साथ भीतरघात किया था, इसलिए उन्हें चिन्हित कर हटाया जाएगा, इसलिए पुनरीक्षण किया जा रहा है। जो अभी दो छह महीने में जो दो चुनाव हुए हैं उसमें हमारी जैसे बूथ कमेटियां बनी थी, उसमें बूथ के कमेटी ने किसने कितने ये समर्थित भाव से कार्य किए हैं, वैसे लोगों को एक अलग से चिन्हित करेंगे। और जो निष्क्रिय रहे और पार्टी के विरोध भी काम किए हों, ऐसा इस तरह का निष्क्रिय रहे हों, ऐसे बूथ कमेटियों को अलग से उनका एक लिस्ट बना के उनका अलग बनेगा। पार्टी को केंद्रीय इकाई से यह निर्देश मिला है कि वैसे नेता और कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाए जिन्होंने भीतरघात किया है या काम नहीं किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना है कि निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए। अब पार्टी का संविधान अनुसार उसको टाइम टू टाइम उसको वेरीफाई किया जाता है, और अभी जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो उनके वो बनेंगे तो पार्टी में हम सभी है जो समर्पित है, जो लगन से काम करते हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन एक सप्ताह बाद कभी भी हो सकता है। राज्य में नई कमेटी बनेगी, सही लोगों को कमेटी में जगह मिले या पुनरीक्षण कार्य उसी दिशा में पहला कदम। राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।